पूंछ भी उसकी टूट गई है इसके सिर पे नहीं था इतना और वो भी इधर ही रहता है आई एम डे ड्रीमिंग अबाउट देवी पर शायद इसके अंदर है कुछ इतना कुछ होने के बाद भी बची है हम इसको वापस रिलीज कर रहे हैं इसके ना गाड़ी वाला को मार गया पॉजिटिव है ना ओ मैडम मैं तो डरता हूं मैंने पाली भी नहीं अच्छा अभी हम घरों जा रहे हैं एक डॉग का रेस्क्यू है उसके लिए हमें कल भी कॉल आया था तो कल वो डॉग मिला नहीं तो आज फिर फोन आया तो वो उस साइड बैठा है उस साइड वो बैठा हुआ साइड में ये सामने बैठा हुआ ब्लैक वाला भी पहले आपने ठीक किया था जिसके सिर पे नहीं था इतना और वो भी इधर ही रहता है ये भी ठीक हो जाएगा आपको फोन करके यही छोड़ दूंगी शोरी तो नहीं बोल सकते लेकिन ये ट्यूमरस ग्रोथ लग रही है हमें अभी कितने टाइम से नहीं है ये हमें भी नहीं पता तो अब एक बार इसका सैंपल पालमपुर भेजेंगे बायोप्सी सैंपल उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उस पर डिपेंड करेगा कि ये है क्या एक्चुअल में और किस टाइप का ट्यूमर है अभी इसका सिर्फ नॉर्मल क्लीनिंग कर रहे हैं ताकि फ्लाइज वगैरह ना बैठे देखने से तो हेल्प फ्रेंडली डॉग लग रहा है 102.3 आई एम डे ड्रीमिंग अबाउट देवी इतना अच्छा अडॉप्शन होगा उसका मैंने सोचा नहीं था जिन्होंने उसके लिए कॉल किया था उन्होंने कहा ही था कि वो उसको अडॉप्ट कर लेंगे पर कहीं ना कहीं मन नहीं मान रहा था कि उसको फिर से उसी लोकेशन पे भेजना है फीमेल है देसी है बड़ी है उम्र में तो इतना अच्छा अडॉप्शन होगा उसका मुंबई में ये चीज़ नहीं एक्सपेक्ट की थी मैंने मैंने तो उनके डॉक्टर को बोल रखा था कि समय लगेगा उसको आपको पेशेंट रहना पड़ेगा लेकिन डे वन लाइक जब से वो एयरपोर्ट पे रिसीव हुई उनके पास से तब से शी न्यू कि ये उसकी फैमिली है यहाँ पे देवी के अडॉप्शन के लिए सब लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है कितने अच्छे घर में गई है हम कितने मैं वीडियोस दिखा रही थी सब लोग को कितना सुंदर वो कितनी खुश लग रही है आई नो यार कहाँ मिला ये आपको रोड पे बैठा था रात के टाइम पे चढ़ गई थी गाड़ी नहीं नहीं गाड़ी नहीं चढ़ी थी आगे खड़ा हो गया था ना थला आगे गाड़ी के तो दिख गया आपको कि ऐसा ही था वो ऐसे था ओके 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 सब से आपके पास तो रोड पे हो गई दो हफ्ते से रखा है आपने लगातार ट्रीटमेंट चल रही थी ये बीमार हो गई बीच में ना इसकी हालत ज्योति यार ये लोग ना धर्मशाला से पपी लेकर आए हैं ना तो बहुत छोटा पपी है उसको तो पूरे शरीर पे वाला बहुत बड़ा घाव भी है प्लस ब्लाइंड भी है यार धर्मशाला एनिमल रेस्क्यू में उसका ट्रीटमेंट करवा रहे थे लेकिन जो लोग उसको लेकर आए हैं वो बेसिकली दे आर नॉट फ्रॉम हियर जैसे एक तो आर्मी के है और बाकी दो बाहर के हैं तो बोल के चले जाने वाले हैं तो हमसे पूछ रहे हैं कि अगर हम रख सकते हैं इसको ठीक आई नो यार पहले ऐसी थी मैम ये देख लो जब इसको मिली थी हमको इसके मार्केट स्टोर से बचने उन्होंने डर बार उन्होंने बोला शायद मुश्किल ही बचे बट हमने इसकी गले तक कीड़े थे यहाँ तक में गैस्ट्रोएंटेराइटिस बोलते हैं उसको बेसिकली जो डाइजेस्टिव पूरा सिस्टम होता है वो इन्फेक्ट हो जाता है तो खाना नहीं पचा पाएंगे प्लस ब्लड निकलेगा ना ब्लड निकलेगा मुझे लग रहा है ऐसे उसमें वायरस प्रेजेंट है कि नहीं है ये हम करते हैं बिकॉज इसको अंदर लेके जाएंगे भर्ती करेंगे
दूसरे डॉग्स को रिस्क पर रख रहे हैं हम। ऐसे गिरती नहीं है कभी भी, गिरेगी नहीं, साइड पे टेबल पे रख दोगे नीचे नहीं गिरेगी, वो आइडिया होता है इसको मतलब। लेकिन मिली नहीं, हमें लगा था कि बचेगी ये, मतलब सर्वे में थी दो दिन तो, मतलब इसको थोड़ा दर्द था पूरी रात, ये मैं भी नहीं सोया, ये भी नहीं सोया। अगर उस रात को नहीं मिली होती तो ये बारिश का असर किसने बचा नहीं, पर शायद इसके अंदर है कुछ, इतना कुछ होने के बाद भी बची है, बड़ी हिम्मत है। रुकना ही रहना, इसको वापस रिलीज कर रहे हैं और अभी सारे जिंक ऑक्साइड का पेस्ट लाने गया है। कोई घाव पूरी भरी नहीं है लेकिन ये फिर अंदर पागल हो रहा है और बाकी डॉग्स को भी प्रोवोक कर रहा है रात भर भौंकने के लिए। बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं लेकिन इसके केयर टेकर्स हैं तो हम इसको छोड़ पाते हैं ना इतने हीलिंग में भी, और वो खुद जब ये मिलता नहीं उनको दो दिन तो फिर वो हमें कॉल करते हैं, जामुन है क्या आपके पास, तो दिक्कत नहीं है। लिली, लिलू, यस, क्या थी तुझे पूरा दिन, कहाँ थी, कहाँ थी पूरा दिन? एक साल तो हो गया इसको, पोस्ट तो काफी डाले, ऐसा नहीं कि कॉल्स नहीं आए इसके लिए, लेकिन बहुत लोग जो है ना वो एक किटन एनर्जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक अडल्ट कैट से। लिली को अपने ओन स्पेस में रहना ज़्यादा पसंद है, वो अगर खेलना चाहती है, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है तो वो उसका डिसीजन होगा, वो हमारा डिसीजन नहीं हो सकता है। इसके लिए मैं कैट पर्सन ढूंढ रही हूँ जो एक्चुअली कैट्स को समझता हो, और अडल्ट कैट्स स्पेशली लिली एक अलूफ कैट है, उसको अपना प्यार दिखाने का अलग तरीका है। लिली, अबे हम जब साथ में होते हैं वो मेरे ऊपर बैठेगी, मैं लैप पे सोएगी, लैप कैट है, प्रॉपर लैप कैट है, तो वैसे बहुत से प्यारे मोमेंट्स होते हैं इसके साथ। आजा, ओके, चली गई, करो उसको अडॉप्ट, करो करो। कॉल आई थी चड़ी से, डॉग के पीछे वाले पैर में फीमर फ्रैक्चर है और साथ में काफ़ी ज़्यादा वीक है डॉग। आज हम जब आए तो जामुन भी बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रखा था और उसका घाव एक हद तक ठीक हो चुका है, उसके केयर टेकर से भी हमारी बात हो गई थी, तो अभी हम उसको वापस रिलीज़ कर रहे हैं ताकि हम जो दूसरा डॉग है उसकी मदद कर पाए। वहाँ पे एक सुंदर सा घर है, उनके यहाँ बैठता है ये, तो वो जो लेडीज है वो कह रही है कि रोटी तो हम खिलाते हैं, पर जिस दिन हम लाए परसों उसको एक दिन पहले ना ये रोड क्रॉस कर रहा था जीप से, उससे रगड़े लग गई हैं इसको। जीप बारे ने हमें फ़ोन कर दिया है और उनको भी बता दिया है, फिर हम इसको यहाँ लेके आए थे। पैर में इंजरी है, पीछे वाले पैर में कुछ जगह घाव भी है, पूंछ भी उसकी टूट गई है, हमें पूंछ की एम्पिटेशन ही करनी पड़ेगी। उसके प्लेटलेट्स वगैरह अभी डाउन है, उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा शॉक में भी था एनिमल, तो अभी हम वेट कर रहे हैं, एक दो दिन में हम सर्जरी शेड्यूल करेंगे। और जो फ्रैक्चर है उसके लिए तो सेल्फ हीलिंग ही हो सकती है क्योंकि अभी वो वेट ले रहा है उस पैर पर, तो अगर सेल्फ हील हो जाता है, क्योंकि वहाँ वुंड भी है, कोई भी प्लास्टर या स्प्लिंट उस चीज़ को बढ़ा सकती है, तो सेल्फ हील हो जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम कुछ दिन बाद जब घाव भर जाएगा तो उसका जो भी वहाँ पे रिक्वायर्ड होगा स्प्लिंटिंग सपोर्ट के लिए वो कर देंगे। अभी हम लोग जस्ट काम पे आए हैं और सत्या की हालत ठीक नहीं लग रही है, तो अभी उसको ड्रिप लगा रहे हैं, फीवर भी है ना इसको, दी फीवर है, तो अभी तो हम फिगर आउट कर रहे हैं कि इसको हुआ क्या है, लेकिन ठीक नहीं लग रहा है। पीने तो पड़नी ना ठीक होने होने ठीक, ये पावो के लिए हम इसके लिए टेस्ट कर रहे हैं, एक बार पता लगेगा कि पावो है या कुछ और है। पॉजिटिव है ना, स्ट्रांग नहीं है इतना, कल से इसका डायरिया स्टार्ट हुआ था, थोड़े लूज फिशेज शुरू किए थे इसने, लेकिन कल हमने इसका सिरप्स वगैरह सब स्टार्ट कर दिया था। ऐसे हमारे पास दो डॉग्स थे, एक तो अभी आज नॉर्मल है और आज इसकी हालत ज़्यादा थोड़ी ख़राब लग रही है, तो आज हमने जब इसका पार्वो का टेस्ट किया तो पॉजिटिव तो आया है लेकिन बहुत माइल्डली पॉजिटिव आया है,
को उससे बचाने के लिए हमने फ्रूट थेरेपी स्टार्ट कर दी। इसके ना गाड़ी वाला को मार गया। तो एक तो वो स्ट्रे थी तो कोई अपने घर में नहीं रख रहा था उसको, तो उसको ऊपर ही उन्होंने शेल्टर सा बनाया था उसके लिए जहाँ पे उसको रखा हुआ था, ताकि जब बारिश वरिश भी ना पड़े उन पे और वो गीले गुले भी ना हो। आप लोग प्लीज बच्चों को तो पकड़ लो। प्रेग्नेंट थी वो बिच, पर उसने बच्चे दिए थे, उसका एक्सीडेंट हो गया था तो उसके हिप में फ्रैक्चर हो गया था, इसकी वजह से वो चल नहीं पा रही थी। उसकी ट्रीटमेंट ऑलरेडी वहाँ पे चल रही थी, हम देखने गए थे एक बार, तो हमने कुछ एडिशन किए थे ट्रीटमेंट में, कुछ सिरप्स पकड़ाए थे उनको और देने के लिए। हाँ वो भी, पर वो जब बच्चे बड़े होंगे तभी शुरू होगा उसका ट्रीटमेंट, उससे पहले नहीं होगा। स्विच चुप जाएगी। हमारे एरिया से बहुत दूर है, हम ला भी नहीं सकते थे, लेकिन हमने इसलिए आगे बढ़ के किया काम क्योंकि भाई हमें पता है वो लोग भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो जब हमें पता है कि हमारी एक हेल्प से वो आगे की कोशिश रिजल्ट देगी तो फिर हम आ गए थे। कितने बार उल्टी की उसने? तीन बार उल्टी। सिर्फ वही था ना कि फूड ही निकल रहा था ना, या और कुछ अलग लिक्विड येलो ऐसा कुछ तो नहीं था, फूड ही था। ऐसा नहीं कि उसको कोई बीमारी है, जिसने भी उसको वो पेडिग्री खिलाई हुई है, ठीक है, वो ज्यादा ही खिला दी हुई है, उसको देखा कि वो कमजोर है, चलो इसको ठूस ठूस के खिला देते हैं कि वो एकदम सेहत बन जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है यार। मैं सोच रही हूँ कि दो दिन उसको यहाँ रख लेते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, टैबलेट्स वगैरह भी चल रही है तो यहाँ पे रहेगा तो बेटर है। ओ मैडम मैं तो डरता हूँ, मैंने पाली भी नहीं है, कार वाले छोड़ गए आपकी तरह स्कीन लोग मेरे घर में बैठ गए दरवाजे में, मैंने तो फिर से पिछले साल भी इधर आपने तो बचाई है इसकी जान। डॉक्टर किया इसको, कंडीशन इतनी खराब थी, बहुत ज्यादा बैंगेट बून था, फिर यहाँ पे ले आए उसको ना ट्रीटमेंट के लिए, इसको हमने पूरा ठीक कर दिया, अब तो फिर से इसको अंदर मैगेट हो गए हैं, तो ये फिर से वो कह रही कि इसको पता है कि यहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हो जाता है, तो बोला मेरे साथ स्कूटर में बैठ के, गाड़ी में नहीं बैठती, स्कूटर में बैठ के यहाँ आ जाती है। आती है इसको पूरा पता है, मैं क्या बोलना आप लोगों को, तो बड़ा ये आप इतना करते हैं, ये आपका तो नहीं, ये मैंने क्यों लेना, आप ही रख लीजिए। आज हाथ से लिखी हुई चिट्ठी भेजी है हमें कोमल जी ने, तो मैं पढ़कर सुनाती हूँ। प्रिय भाई रॉबिन व शिवानी, चाहकर भी नहीं आ पा रही, पर अपना बहुत सारा स्नेह और प्यार आप दोनों के लिए इस राखी में भरकर भेज रही हूँ। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि आप दोनों से मिल पाई। मैं खुशी से झूम उठती हूँ जैसे ही कोई आपकी प्रशंसा करता है, गर्व होता है जब कहती हूँ सबको आप भाई हैं मेरे। बट दिस इज फ्रॉम कोमल। मेरे दिल में आप दोनों के लिए ढेर सारी दुआएं निकलती हैं। बहना ने भाई की कलाई पर प्यार बांधा है। With lots of love, कोमल। तो मुझे goosebumps आ रहे हैं ये चिट्ठी पढ़ते हुए, और बहुत सारा प्यार आपको भी कोमल, और बहुत सारे हग्स हम दोनों की तरफ से।